दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैंने अभी ये आपके लिए एक वीडियो बनाया, लेकिन किसी तकनीकी के कारण से ये सेव नहीं हो पाया, तो मैं अब दोबारा आपको ये चीजें बता रहा हूँ। मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ये। हमने टीचिंग मेथड में पार्ट फर्स्ट को पढ़ लिया था, आज हम पार्ट सेकंड की बात करने वाले हैं। पार्ट जो सेकंड है इसका, इसमें हम जो बात करेंगे आज, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। एक तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसके मेरिट क्या है, इस मेथड के मेरिट क्या है या इस मेथड के डीमेरिट क्या है। यानी कि यहाँ पर हम पार्ट सेकंड की बात करने वाले हैं। किसकी? पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, हमारा मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की भी बात करेंगे, इसके मेरिट यानी कि लाभ की बात करेंगे, डीमेरिट की बात करेंगे और करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसमें सबसे पहला फैक्ट ये है कि द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड, कि इस मेथड के अंदर टीचिंग की जो यूनिट है वो वर्ड है। इसके ऊपर सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो यूनिट ऑफ टीचिंग है यहाँ पर दोस्तों वर्ड। और दूसरा है, मदर टंग जो होती है ना, वो डोमिनेट्स होनी चाहिए, अर्थात स्ट्रोंग होनी चाहिए। और ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किए जाते हैं? टीचर के द्वारा। दोस्तों मैंने अभी ये वीडियो बनाया था, लेकिन इसकी वॉइस जो है ना वो गायब होगी किसी तकनीकी कारण से, तो अब मुझे ये दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो ऑलरेडी मैं लिख ही चुका था, ये पूरा समझा चुका था, लेकिन अब मुझे दोबारा समझाना पड़ रहा है। तो ये लिखी हुई चीजें अब वापस, खैर ये काम आ रही हैं, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही मुझे इसलिए। तो पार्ट सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। टीचिंग मेथड हमारा चल रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था। हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें पहला पार्ट पढ़ चुके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ना है, मेरिट पढ़ने हैं, डीमेरिट पढ़ने हैं और इस मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, विशेषताएं पढ़नी है। तो सबसे पहले फैक्ट्स की बात करें तो आपको याद रखना है यूनिट ऑफ टीचिंग यहाँ पर वर्ड होती है, मदर टंग डोमिनेट्स होती है और जो रूल्स जो होते हैं ग्रामेटिकल रूल्स वो टीचर के द्वारा एक्सप्लेन कराए जाते हैं। और आगे अगर हम बात करें इस मेथड के मेरिट क्या होते हैं, मेरिट की बात करें तो दोस्तों ये मेरिट है। देखिए पहला तो ये है कि इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज इट सेव्स टाइम्स। ये मेथड जो है ना वो इकोनॉमिकल है, ये मेथड इकोनॉमिकल है और थोड़ा सा रेंज में है, सस्ता है ये कह सकते हैं। क्यों है? क्योंकि ये टाइम को बचाता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, दूसरा इसका लाभ क्या है कि इट इनहेंस स्टूडेंट्स वोकेबलरी। ये स्टूडेंट्स की वोकेबलरी को बढ़ाता है, शब्दावली जो है स्टूडेंट्स की उसको बढ़ाता है। और तीसरा इसका फायदा ये है कि दिस मेथड इज मोर यूजफुल फॉर प्राइमरी क्लासेस। जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं, प्राथमिक जो कक्षाएं हैं वहां पर ये मेथड बहुत ही उपयोगी है, प्राथमिक कक्षाओं में। क्यों उपयोगी है? क्योंकि बच्चा एप्पल को तो नहीं जानता लेकिन सेब को जानता है, बच्चे को पता है कि सेब होता है। अब टीचर उसको बताता है कि एप्पल ही क्या होता है, सेब होता है। बच्चा हाथी को जानता है लेकिन एलिफेंट को नहीं जानता, तो टीचर उसको बताता है कि एलिफेंट हाथी ही होता है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, ये आपने मनोविज्ञान में भी पढ़ा होगा, लर्निंग बाय डूइंग। छोटे बच्चे हमेशा लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, अर्थात करके सीखते हैं। तो कोई भी छोटा बच्चा है उसको सीधा आप कह दो एप्पल तो वो नहीं विश्वास करेगा। जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उसमें प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, एप्पल होता है, कैट होता है, डॉग होता है, तो बच्चे को वो दिखाए जाते हैं फिर उन चीजों को सिखाया जाता है। क्योंकि इस एज में जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे जो होते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, करके सीखते हैं, देख के चीजों को सीखते हैं, ऐसे विश्वास वो करते नहीं है। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, नोन टू अननोन, क्योंकि हाथी से तो वो नोन होते हैं लेकिन एलिफेंट से वो अननोन होते हैं, सेब से तो वो नोन होते हैं लेकिन एप्पल से वो अननोन होते हैं। तो ये जो मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, इसमें नोन टू अननोन चला जाता है, यानी कि बच्चा जो चीज जानता है और बच्चा जो चीज नहीं जानता है इन दोनों के बीच में कोरिलेशन किया जाता है, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है।
और पांचवा जो लाभ है ना दोस्तों इसका, वो ये है कि ये मेथड कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है। किसके लिए? टीचर के लिए। क्यों? क्योंकि टीचर को, बिकॉज ही डज नॉट नीड एनी मटेरियल, क्योंकि टीचर को जो है ज्यादा उपकरणों की जरूरत नहीं है, किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, किसी प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, किसी ज्यादा सहायक सामग्री की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है, इसलिए ये मेथड जो है ना वो कन्वीनियंट है। इट हेल्प्स इन टेस्टिंग कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या होते हैं? पैसेज, जैसे कोई पैराग्राफ और पैसेज होता है, आपने भी 10वीं बारी में पैसेज सॉल्व किए होंगे, कि पैसेज में क्या होता है कि शुरू से लास्ट तक उसको पढ़ा जाता है, उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, और फिर नीचे दिए जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर दिए जाते हैं। तो अपने सेकंड ग्रेड में भी एक पैसेज आएगा कि एक पैसेज पढ़ना है, उसका उसको पूरी तरह से ट्रांसलेट करना है, फिर जिन जो नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देने हैं। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट देखा था ना कि वोकेबलरी बढ़ जाती है, और दूसरा बच्चे के वर्ड मीनिंग जो होते हैं ना उसके पास ज्यादा आने लगते हैं, वर्ड मीनिंग से वो परिचित हो जाता है। तो वर्ड मीनिंग और वोकेबलरी जो आती है ना उसको, तो पैसेज को पढ़ने में उसको सुविधा होती है और वो पैसेज को आसानी से सोल्व करता है। तो इसलिए ये मेथड जो है ना, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये हमें पैसेज को सोल्व करने में भी मदद करता है, इसलिए ये भी इसका एक लाभ है। और सातवां पॉइंट है कि दिस मेथड कैन बी इजिली यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। जो भीड़ भरी कक्षाएं हैं वहां पर भी इस मेथड से पढ़ाने में टीचर को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि किसी सहायक सामग्री की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो ओवर क्राउडेड क्लासेस जो होती हैं, भीड़ भरी जो क्लासें होती हैं, वहां पर भी टीचर को पढ़ाने में इससे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। और दोस्तों आठवां पॉइंट जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूंगा मैं इसको, क्योंकि देखिए कोई भी लैंग्वेज होती है ना उसके चार एस्पेक्ट होते हैं, LSRW। LSRW में L का अर्थ होता है लिसनिंग, S का अर्थ होता है स्पीकिंग, R का अर्थ होता है रीडिंग, और W का अर्थ होता है राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, लेकिन ये चारों एस्पेक्ट पर ये मेथड जो है ना जोर नहीं देता है, ये सिर्फ दो एस्पेक्ट पर जोर देता है, एक तो राइटिंग पर और रीडिंग पर। लेकिन एक मेथड और पढ़ेंगे हम इसके बाद, ग्रामर ट्रांसलेशन के मेथड के बाद कौन सा मेथड पढ़ेंगे? डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड तो किस पर जोर देता है? लिसनिंग पर और स्पीकिंग पर। लेकिन ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ना, ये राइटिंग पर और रीडिंग पर जोर देता है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो लैंग्वेज के किस एस्पेक्ट पर ज्यादा जोर देता है, तो वो रीडिंग और राइटिंग पर एस्पेक्ट पर ज्यादा जोर देता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर नहीं देता। डायरेक्ट मेथड जो होता है ना, ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर ज्यादा जोर देता है। डायरेक्ट मेथड इस मेथड से सिर्फ इस चीज में अलग है कि उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो अपने इंग्लिश पढ़ाते समय अपनी मदर लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे मैं भी आपको टीचिंग मेथड पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश का, तो मैं मदर टंग का यूज करके पढ़ा रहा हूँ, मैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश जो पढ़ाया जाता है, जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वहां पर डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया जाता है, वहां पर पूरी बात को इंग्लिश में ही बताया जाता है। तो जो डायरेक्ट मेथड है ना वो लिसनिंग और स्पीकिंग इन दोनों एस्पेक्ट पर जोर देता है, जबकि ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये राइटिंग और रीडिंग पर जोर देता है। और एक नौवां पॉइंट है दोस्तों इसका लास्ट, कि टेक्स्ट बुक जो है ना वो मेन बेस है इस मेथड में। टेक्स्ट बुक जो है वो मेन बेस है। तो दोस्तों ये हालांकि पूरी क्लास अभी जब मैंने इससे पहले बनाई तो ये पूरे पॉइंट लिखने में, समझाने में मुझे लगभग 40-45 मिनट लग गए थे, लेकिन वॉइस नहीं आने की वजह से ये वीडियो खराब हो गया था। अब मैंने इसको दोबारा बनाया तो ऑलरेडी मैंने पहले लिख ही चुका था जो चीजें, अब मुझे जो समझाने में ज्यादा समय नहीं लगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट बन गया है। लेकिन इसमें मेरिट हमारे कवर हो गए हैं सारे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जितने एडवांटेजेस हैं, जितने मेरिट हैं, वो सारे कवर हो गए हैं। अगली क्लास में हम इसके डीमेरिट पढ़ेंगे, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कमियां क्या हैं, उन कमियों को पढ़ेंगे और इस मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, अर्थात इस मेथड के विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगली क्लास में जो है ना ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड खत्म हो जाएगा। फिर हम एक क्लास ऐसी बनाएंगे जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से अब तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, फिर उनके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। फिर टेलीग्राम चैनल है हमारा एक, उस टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल से भी आपको जुड़ना है। उस टेलीग्राम चैनल का फायदा ये होगा कि उसमें एवरी संडे को हम एक टेस्ट लेंगे, जितना हम सैटरडे को पढ़ेंगे वहां तक एवरी संडे को टेस्ट होगा, और उसी टेलीग्राम चैनल में आपको नोट्स वगैरह, उसके जो PDF वगैरह हैं, वो एकदम फ्री, एकदम निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
तो जो बहनें जो भाई दूर ढाणियों में बैठे हैं, किसी भी कारण से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरा ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं, वो भी घर बैठे निशुल्क तैयारी करें। मैं पूरा सिलेबस जो है इसका आपको करवाऊंगा, सेकेंड ग्रेड का भी और रीट का भी, इंग्लिश का एक एक पॉइंट कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। पिछले जितने भी पेपर हुए हैं सेकेंड ग्रेड के, सभी पेपर सॉल्व कराऊंगा जो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को फायदा हो सके। ओके दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।